देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। AR फाउंडेशन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 10 जून 2018 को राष्ट्रीय स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह ह्यूमैनिटी अचीवर्स अवार्ड 2018 का आयोजन किया गया। संस्था पिछले कई सालों से ये आयोजन दिव्यांग एसिड सर्वाइवर्स और प्रेरणादायक कहानियों को समाज से रूबरू कराने और उनकी मदद करने के लिए करती है। इस बार के कार्यक्रम में दिव्यांग पैरा एथलीट बच्चे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बच्चे और साथ ही सर्वाइवर्स को ये सम्मान दिया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी निधि कटारिया और जय हिंद मंच के अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी ने शिरकत की। संस्था की फाउंडर नीलिमा ठाकुर का मानना है कि सिर्फ मंच देने से कार्य पूरा नहीं होता, आगे बढ़कर समाज और सरकार को भी इनका सहयोग करना चाहिए। मैंने की ऐसी ऐसी बात है जो एक धर्म की तरह लिया जाता है, धर्म की तरह समझा जाता है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मानव से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज यहाँ मैंने कुछ दिव्यांगों के लिए एक अपील की है कि उनकी मिशन में, उनके कार्यों में उनका सहयोग किया जाए। उनको थोड़ा 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 करके भी अगर सोसाइटी सहयोग करेगी, कम्युनिकेशन में अपनी अच्छी अच्छी जो कर रही है उन सब चीजों में उनका सरकार है। देखिए बात है कि ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें एक साथ क्लैश हो जाती है, जो प्रॉब्लम्स किसी बात की रहती है, जो बीच वाले लोग हैं उनकी उनको डायरेक्ट सरकार के साथ जाने नहीं देते। मुहिम शुरू की है एनजीओ के थ्रू, हमारी AR फाउंडेशन ने मुहिम शुरू की है कि हम कम से कम इस आवाज को इतना बुलंद कर दे, कितना बुलंद कर दे कि ये आवाज उनके कानों तक पहुंच जाए। प्रशासन इसमें कुछ भी कोशिश करेगी बात करेगी, लेकिन एक नए दिन हुई हो या प्रशासन हुई बार मीडिया से पता चल जाए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो उनका काम है। जी देखिए, अभी आपने सुना नन्हेलाल जी जो राष्ट्रीय अखबार सचिव है, उन्होंने बोला दिव्यांग सेना में कि हमें हम कर रहे हैं कोशिश, वो कर रहे हैं छोटा छोटा, उनके लिए लड़ भी रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि दिव्यांग सिर्फ अकेले होकर दिव्यांग लड़ेंगे, हमें उनके साथ खड़ा होना है। दिव्यांग लोगों के लिए मैं क्या संदेश दूंगी, क्योंकि वो हमें संदेश दे रहे हैं। उनका जो संदेश है मैं जग में पहुंचाना चाहूंगी कि जो विकलांगता होती है वो शरीर से नहीं होती है, इंसान जो होता है वो मानसिक विकलांग होता है। अगर आपकी मानसिकता ऊंची होगी तो आप कभी विकलांग नहीं कहलाएंगे। और विकलांगता जो है वो एक शरीर से है, लेकिन यहाँ पर आकर के उन्होंने उस चीज को भी मात दे दी। इस फाउंडेशन के बारे में ये कहना चाहूंगा कि हमारे दिव्यांगों के लिए और हमारे जो भी व्यक्ति है समाज के लिए सोचते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम में जहाँ इंसान अपने स्वार्थ के लिए सोचता है वहाँ समाज के लिए सोचता है। मैं एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ, यूपी के रिपोर्ट एरियाज में जैसे बुलंदशहर और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज को लेकर बहुत ही मिनिमम फीस स्ट्रक्चर पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। एंड आप जहाँ भी इंजीनियर भी देखेंगे मीडिया पे होता है 20,000 से 60,000 है, लेकिन हमें सही एजुकेशन जोड़ना चाहिए। ऐसे बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो अपने बिजनेस के लिए नहीं लेकिन सच्ची शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में से एक है। आपको फीस फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे? AR फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं निर्मला ठाकुर जी के लिए बहुत बहुत वेलविशेस देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ते रहे। जिस तरह से उन्होंने जी न्यूज छोड़ के अपनी खुद की एक मुहिम चलाई है, उसके लिए बहुत उन्हें मेरा नाम संता राणा भारती है और मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, टीचर हूँ एंड प्राउड मदर हूँ। एंड नाउ आई बीन नॉमिनेटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ पनाश मिसेज इंडिया।
So now I'm an ambassador and then brand ambassador of Sari Sanskriti Studio, which is run by Salma Sultan ji. You know, she's a famous news reader. मैं मेयर फाउंडेशन के नॉर्थ इंडिया हेड हैं आप क्या कहना चाहेंगे ये संस्था के बारे में? First of all, let me tell you, on top of above all, I'm head of Air Foundation, that North Jyoti में head हूँ. तो डेफिनेटली एयर फाउंडेशन जो है एक बहुत ही बढ़िया एनजीओ है. इस एनजीओ में बेसिकली महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है. इससे मेरा नाता जो था वो ऑलमोस्ट 10 साल पहले जुड़ा था और तब से ही मैं इनसेपरेबल पार्ट हो गई हूँ. और आज का जो इसका प्रोग्राम का मेन मुद्दा है वो है हम लोगों ने तरह तरह के जैसे कहते हैं एक हीरे इकट्ठे किए हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ए आर फाउंडेशन. उन्होंने चुन चुन के ऐसे लोग यहाँ पे लाए हैं एंड इट इज एन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर द रेस्ट ऑफ अस. नीलिमा मैम, सैवी मैम, व्हेन आई मेट देम फर्स्ट आई अंडरस्टूड दैट दीज आर द पीपल हु एक्चुअली हैव द ट्रेंड एंड द स्ट्रेंथ to do things for the rest of the people. So this our foundation, thank you very much. I'm also very proud that I will now take care of the Pune state side, and I promise the our foundation that I will not let you down. So I am a social activist myself, but right now I know that I am associated with such a powerful foundation. And hence, I will be able to do much more than what I am doing right now. देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.